माय चैनल विपाशाज व्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे हैं। तो आज सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ और मम्मी गई है मार्केट थोड़ा बाज़ार वगैरह करने के लिए घर के लिए। और अभी ना थोड़ा देर पहले बारिश हो रहा था, बट अभी बारिश छूट चुका है और कल का दिन तो पूरा दिन ही बारिश हुआ। और अभी मेरा सारा काम बाकी है, ये सब यहाँ पर बिखरा पड़ा है। तो चलिए फटाफट अब काम में लग जाते हैं। ब्लॉग को एंड तक वॉच कीजिएगा। ब्लॉग अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसे नया नया ब्लॉग इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने के लिए। तो फटाफट काम में लग जाते हैं और आज है पूजा, बृहस्पतिवार है आज। सो हे गाइस, तो मैं पहले स्टार्टिंग कर रही हूँ अपना वो जो टेबल है वो बुक टेबल से, क्योंकि यहाँ पे मेरा बुक वगैरह बिखरा पड़ा था। तो मैंने सोचा कि चलो पहले यहीं से शुरुआत किया जाए। तो मैं यहाँ पे बढ़िया से टेबल को पोछ ले रही हूँ, मतलब झाड़ ले रही हूँ, क्योंकि धुल्ला वगैरह तो हमेशा लगा हुआ ही रहता है। तो यहाँ पर बुक वगैरह जो ऊपर में था उसको मैं ड्रॉयर में रख दी हूँ और ये ऊपर में मैं बढ़िया से क्लीन कर दी। और ये जो क्लीन का जो कपड़ा देख रहे हैं ना, ये बहुत मस्त है, मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। इससे क्या होता है, आपका हाथ में धूल वगैरह नहीं लगेगा। नॉर्मल कपड़ा से झाड़ने से क्या होता है, आपका हाथ में धूल वगैरह लग सकता है, बट इसमें क्या है, इसको हाथ में पहन लो, ग्लव्स टाइप सा है, और उसके बाद आप झाड़ो पोछो कुछ भी करो, आपका हाथ गंदा नहीं होगा, धुल्ला वगैरह कुछ नहीं लगेगा और बहुत अच्छा से ना क्लीन हो जाता है। तो मैं अभी बेड वगैरह का जो साइड था वो सब क्लीन कर ली, क्योंकि उसमें ना धुल्ला वगैरह अटक जाता है। तो ये मैं कर लेती हूँ, कभी कभी ध्यान नहीं रहता है, बाकी टाइम तो मैं करती हूँ। तो यहाँ मेरा बेड वगैरह क्लीन हो चुका था। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ आलू काटने के लिए, क्योंकि मम्मी गई है मार्केट, मतलब बाज़ार गई है घर का सामान वगैरह लाने के लिए। तो कब तक आएगी कोई पता नहीं, तो मैं सोची कि मैं ही खाना बना लेती हूँ। और आज घर में कोई ना चावल नहीं खाएगा, सब बोल रहे पराठा खाएंगे, तो मैंने सोचा आलू का दम और पराठा बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कुकर में पानी डाल दी हूँ और कुकर को मैं गैस में चढ़ा दूँगी। जब तक आलू सीज जाएगा तब तक मैं बाकी काम जो है, और आप लोग देख सकते हैं डाइनिंग टेबल ना कैसा बिखरा पड़ा हुआ है, रास्ते ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा चलो क्लीन कर लेते हैं, जब तक आलू सीजता है गैस में तब तक मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ पे मेरा आलू का कुकर का सीटी मार रहा था, तो उसके बाद मैंने लेके आ गई हूँ आटा, क्योंकि सब कोई बोला पराठा खाएगा, तो सब कोई मतलब मैं और मम्मी, और रात में आएंगे पापा, तो वो तो रात में अलग बनाएगी मम्मी शायद। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं आटा को ये कर ले रही हूँ, उसके बाद मैं बनाऊँगी पराठा। सबसे पहले मैं सब्ज़ी बना लूँगी, क्योंकि वही थोड़ा बनने में टाइम लगेगा, ऐसे पराठा तो 2 मिनट में बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा यहाँ रूम वगैरह क्लीन हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सारा कुछ रूम क्लीनिंग हो चुका है। सुबह का जो काम रहता है और बृहस्पतिवार का तो आप लोग को पता ही है, मेरा घर में सब कुछ झाड़ना पोछना सब काम होता है। और इतना बारिश हो रहा है फिर भी ना गर्मी एकदम नहीं जा रहा, गर्मी है ही, और अभी मौसम थोड़ा ठीक है बट हल्का हल्का धूप उगा है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग मैं दिखा, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, अभी मौसम बहुत सही है और अभी थोड़ा देर पहले बारिश हो रहा था हल्का हल्का, बट अभी थोड़ा थोड़ा धूप उग चुका है, अभी मौसम सही है। और पता है बारिश होने के कारण ना पेड़ वगैरह पूरा हरा भरा हो चुका है, और आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ना पेड़ वगैरह हरा हरा। तो यही होता है बरसात का टाइम में, सावन का टाइम में पूरा पेड़ वगैरह हरा हरा लगेगा, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। और यहाँ थोड़ा पेड़ वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया है मेरा घर में, तो ये सबको हटा देंगे कुछ दिन बाद, थोड़ा थोड़ा को कट कर देंगे, तो उसके कारण क्या होगा देखने में अच्छा लगेगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ, मसाला पीस ली हूँ, मैंने मिक्सर में मसाला पेस्ट कर लिया है। सबसे पहले मसाला ही ज़रूरी होता है, आलू का दम में थोड़ा मसाला टाइप, आलू दम नहीं बनेगा तो अच्छा नहीं लगता खाने में। तो मैंने सोचा थोड़ा जम के आज मसाला वाला आलू का सब्ज़ी बनाया जाए, मतलब आलू का दम बनाया जाए। तो यहाँ देख सकते हैं मैं निकाल ले रही हूँ पेस्ट, उसके बाद मैंने गैस में चढ़ा दिया, देन मैं तेल उल डाल रही हूँ, फिर मैं मसाला दे दूँगी, देन आलू चढ़ा, मतलब आलू जो सिझाए वो आलू है वो दे दूँगी।
सकते हैं मेरा यहाँ बन रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे पराठा बनाऊंगी। पहले मैं सब्जी बना ले रही हूँ, आलू का जो दम होता है वो मैं बना रही हूँ। तो कलर बहुत मस्त आया है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं, आप जो भी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो चलिए अब जा रहे हैं हम फ्रेश होने के लिए, देन पूजा भी करना है, बहुत टाइम हो चुका है। तो मेरा यहाँ पे पूजा वगैरह कंप्लीट हो चुका है, मैं बनाऊँगी वीडियो आप लोग के लिए, प्यारा प्यारा सा वीडियो बनाती हूँ। तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए, यहाँ मेरा बृहस्पतिवार का पूजा हो चुका है, माँ लक्ष्मी सब कोई का पूजा हो चुका है कंप्लीट। अब मैं जाऊंगी वीडियो बनाने के लिए, तो चलिए चलते हैं। अब मेरा वीडियो बनाना कंप्लीट हो चुका है और आप लोग देख सकते हो मैं कितना मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। इतना गर्मी और पसीना हो रहा है और बारिश का मौसम यहाँ बना रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं इतना मेहनत के बाद। मतलब इतना मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं, बहुत मेहनत लगता है गाइस वीडियो बनाने में। तो यहाँ मैं आप लोग के लिए छोटा सा एक क्लिप लगा दी हूँ, ये वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप लोग जाके देख लेना। और अभी मौसम देख सकते हैं, बारिश वाला हो रहा है और मुझे गर्मी से ना ये सब निकल रहा है फेस पे, पता नहीं क्या निकल रहा है गर्मी से। इतना ज़्यादा गर्मी में मैं वीडियो वगैरह बना रही हूँ ना, इसलिए शायद हो सकता है। तो चलिए अब ये सब खोल लेंगे, बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी लग रहा है। तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं। तो वीडियो वगैरह बनाने के बाद मैं ना सो गई थी, और सो के उठ के शाम का पूजा करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपना कुछ खाने के लिए। तो मैं यहाँ पे केलॉग्स खा रही हूँ शाम का टाइम में, उसके बाद मैं पढ़ने बैठूँगी क्योंकि मेरा एग्ज़ाम का रूटीन आ चुका है गाइज, और 10 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम है। तो क्या होगा कुछ पता नहीं, और इतना जल्दी जल्दी एग्ज़ाम आता है ना, क्या ही बताओ। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी खा ले रही हूँ क्योंकि मुझे स्टडी करने बैठना है। तो देन खाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ डायरेक्ट स्टडी करने के लिए, आप लोग देख सकते हो। और लग रहा है क्या छोड़ के क्या पढ़े, इतना सारा किताब कॉपी है, इतना सारा बुक है, इतना सारा सिलेबस है, अभी तक पूरा प्रॉपर से ख़त्म नहीं हुआ और एग्ज़ाम दे दिया है यूनिवर्सिटी ने। तो बट क्या करें, एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम तो अटेंड करना ही है और पढ़ना भी पड़ेगा जो भी हो। तो यहाँ पर मैं ध्यान से एकदम स्टडी कर रही हूँ, 1-1.5 घंटा मैं पक्का स्टडी करूँगी, उसके बाद ही मैं खाना खाने जाऊँगी। तो यहाँ पे मेरा स्टडी कंप्लीट हो चुका है, मैं जाऊँगी खाना खाने के लिए। सो हे गाइस, तो आई होप आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा। व्लॉग अच्छा लगा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ऐसे नया नया व्लॉग, इंटरेस्टिंग व्लॉग मेरे चैनल पे आते रहते हैं, तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, नया एक दिन में नया एक इंटरेस्टिंग सा व्लॉग लेके।